शोल्डर जॉइंट के डिसलोकेशन के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शोल्डर जॉइंट हमारी बॉडी का एक कॉमनेस्ट जॉइंट है जो डिसलोकेट होता है। ऐसा अडल्ट्स में, ओल्ड एज ग्रुप में देखा जाता है, चिल्ड्रंस में जनरली ये जॉइंट डिसलोकेट नहीं होता है। और ये जॉइंट तीन डायरेक्शन में डिसलोकेट होता है। एंटीरियर डिसलोकेशन, जिसमें शोल्डर आगे की तरफ आ जाता है, पोस्टीरियर पीछे की तरफ, एंड इन्फीरियर नीचे की तरफ। आउट ऑफ दीज थ्री, एंटीरियर डिसलोकेशन जिसमें शोल्डर डिसलोकेट होके आगे आ जाता है, ये ज़्यादा कॉमन है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, एंटीरियर डिसलोकेशन जिसमें ग्लीनॉइड कैविटी से ह्यूमरल हेड डिसलोकेट होके अपनी जगह से हट के आगे आ गया है। सो दिस वुड बी द एटीट्यूड ऑफ द पेशेंट जब वो आपके पास आएगा। पोस्टीरियर डिसलोकेशन में ग्लीनॉइड कैविटी से पीछे चला जाता है ह्यूमरल हेड, और उसमें पेशेंट का एटीट्यूड इस तरह होता है। इन्फीरियर डिसलोकेशन की बात करें तो ऐसा तब होता है जब भी हाइपर अबडक्शन हो जाता है ह्यूमरल हेड का, जिससे वो ग्लीनॉइड कैविटी से बाहर निकल कर आ जाता है। सो दिस वुड बी द एटीट्यूड ऑफ द पेशेंट। इसको, इन्फीरियर डिसलोकेशन को, हम लग्जेटियो इरेक्टा भी कहते हैं। नाउ अगर डिटेल में हम बात करें आउट ऑफ थ्री डिसलोकेशंस, जैसा हमने अभी पीछे देखा एंटीरियर, पोस्टीरियर और इन्फीरियर, तो एंटीरियर डिसलोकेशन फर्दर क्लासिफाई किया जाता है तीन टाइप में। जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, द फर्स्ट वन इज द इंफ्राक्लैविकुलर। इंफ्राक्लैविकुलर में क्या होता है, जो ह्यूमरस का हेड है वो क्लैविकल के नीचे आ जाता है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द इंफ्राक्लैविकुलर। नेक्स्ट इज सब कोराकॉइड, जो हमारा ह्यूमरस का हेड है वो कोराकॉइड प्रोसेस के एग्जैक्ट नीचे आ जाता है, इन दैट केस इट इज़ नोन एज द सब कोराकॉइड। एंड लास्ट इज द प्री ग्लिनॉइड, यहाँ पर हेड ग्लिनॉइड कैविटी के पहले ही इधर आ जाता है, इसलिए इसे हम प्री ग्लिनॉइड कहते हैं। नाउ बात करते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, किस तरीके से ये डिसलोकेशंस होते हैं। इंटीरियर डिसलोकेशन की अगर बात करें, सो हमेशा हमें फॉल ऑन एन आउट स्ट्रेच्ड हैंड मिलता है। ऐसी कंडीशन जिसमें हमारा जो हाथ है, पेशेंट का जो हाथ होता है वो आउट स्ट्रेच्ड होता है, और आउट स्ट्रेच्ड होने के साथ साथ शोल्डर जॉइंट अबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन में होता है। सो हेयर यू कुड सी अबडक्टेड है एंड एक्सटर्नली रोटेटेड है, बाहर की तरफ रोटेट हुआ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अबडक्शन विद अ फॉर्म ऑफ अ एक्सटर्नल रोटेशन। जो नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है इंटीरियर डिसलोकेशन का, वो है डायरेक्ट फोर्स। डायरेक्ट फोर्स, पीछे से अगर कोई भी चीज़ डायरेक्टली शोल्डर पर लगेगी या हिट होगी तो वो ह्यूमरस के हेड को आगे की तरफ पुश कर देगी, दैट विल रिजल्ट इन टू द इंटीरियर डिसलोकेशन। द सेकेंड डिसलोकेशन इज द पोस्टीरियर डिसलोकेशन। इसके अगर मैकेनिज्म ऑफ इंजरी की बात करें, जैसे अभी हमने पीछे देखा है कि क्या होता है कि फॉल ऑन एन आउट स्ट्रेच्ड हैंड, फॉल तो होगा आउट स्ट्रेच्ड हैंड पे, बट हेयर इंस्टेड ऑफ अबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन, अडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन होता है, दैट विल लीड टू द पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। यही डिफरेंस है इंटीरियर पोस्टीरियर डिसलोकेशन में, दोनों में आउट स्ट्रेच्ड हैंड होगा बट वहाँ पर अबडक्शन विद एक्सटर्नल रोटेशन है और यहाँ पर अडक्शन विद इंटरनल रोटेशन है। डायरेक्ट ब्लो शोल्डर पर जब भी होगी आगे से पीछे की तरफ, तो क्या होगा, जो ह्यूमरस हेड है वो आगे से क्या होगा, डिसलोकेट होकर पीछे चला जाएगा। जैसे इंटीरियर में हमने देखा था पीछे से आगे डायरेक्ट ब्लो है, यहाँ पर आगे से पीछे डायरेक्ट ब्लो होगी तो क्या होगा, शोल्डर पोस्टीरियरली डिसलोकेट हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं अगेन क्या हो रहा है, आउट स्ट्रेच्ड हमारी आर्म है, आउट स्ट्रेच्ड आर्म के साथ देर इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ अडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन विच विल लीड टू द डिसलोकेशन, पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ द ह्यूमरल ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट। अदर कॉजेज इंक्लूड इलेक्ट्रिक शॉक या फिर एपिलेप्टिक कन्वल्शंस, इनसे भी क्या हो सकता है, हमारा पोस्टीरियर डिसलोकेशन हो सकता है। इन्फीरियर डिसलोकेशन की अगर बात करें तो जब भी हाइपर अबडक्शन होगा हमारी आर्म का, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ह्यूमरस हाइपर अबडक्टेड है, यहाँ इमेज में भी हम देख सकते हैं, जब भी हाइपर अबडक्शन होता है हमारी आर्म का, दैट विल इम्पिंज द ह्यूमरल हेड विद द अक्रोमियन। अक्रोमियन से वो इम्पिंज होगा, ह्यूमरल हेड यहाँ अक्रोमियन से इम्पिंज होता है, एंड दैट विल रिजल्ट इन द इन्फीरियर डिसलोकेशन ऑफ द
ह्यूमरस, हमारा जो हेड है वो निकल कर बाहर आ जाता है एंड दैट विल रिजल्ट इन द इन्फीरियर डिसलोकेशन. और पेशेंट का जो एटीट्यूड होता है जिसमें पेशेंट रिपोर्ट करता है हमारे पास, वो इस तरीके से होता है कि जो आर्म है वो क्या होती है, हाइपर अबडक्टेड पोजिशन में होती है. देन आता है प्रेजेंटिंग कंप्लेन, किस तरीके से पेशेंट आएगा, उसकी क्या कंप्लेंस होंगी. द फर्स्ट इज़ द पेन, पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसे अनबियरेबल पेन है शोल्डर में, पेशेंट अपना शोल्डर मूव नहीं कर पाता है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, क्योंकि हमारा इंटीरियर डिसलोकेशन होता है. सो शोल्डर का एटीट्यूड जिसमें पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट करता है वो अबडक्शन होता है विद द एल्बो सपोर्टेड फ्रॉम द ऑपोजिट हैंड. पेशेंट किस तरह आता है कि उसकी जो आर्म है वो अबडक्टेड है, एल्बो फ्लेक्स्ड है एंड इट इज़ सपोर्टेड विद द ऑपोजिट हैंड. एग्जामिन अगर हम करेंगे तो हम देखते हैं कि जो राउंड कॉन्टोर है शोल्डर का, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इस साइड एक राउंड कॉन्टोर हमारे जो शोल्डर पे होता है वो यहाँ पे क्या होगा, एब्सेंट होगा. देर इज़ फ्लैटनिंग, यहाँ पे ये फ्लैटनिंग है इंस्टेड ऑफ राउंड कॉन्टोर. नेक्स्ट क्या हम देखते हैं, स्पेशली इंटीरियर डिसलोकेशन में देर इज़ अ फुलनेस बिलो द क्लेविकल, क्लेविकल के नीचे एक राउंड बॉल, एक फुलनेस हमें मिलती है. दैट इंडिकेट्स के यहाँ पर इंटीरियर डिसलोकेशन है. नाउ द पैथोलॉजिकल चेंजेस, किस तरीके के चेंजेस डिसलोकेशन के साथ होते हैं पैथोलॉजिकली अगर हम देखें. द फर्स्ट इज़ अ बैंकार्टलेशन. बैंकार्टलेशन जैसे कि हम सब जानते हैं, ग्लीनॉइड कैविटी इज कवर्ड विद अ रिम विच इज़ नोन एज द ग्लीनॉइड लेब्रम. जब भी डिटैचमेंट हो जाता है ग्लीनॉइड लेब्रम का ग्लीनॉइड कैविटी से, दिस इज़ नोन एज द बैंकार्टलेशन. किसी भी ट्रॉमा की वजह से ये हो सकता है, सो डिसलोकेशन में भी ये हो जाता है. सो दिस इज़ नोन एज द बैंकार्टलेशन. समटाइम्स दिस बैंकार्टलेशन इज़ बोनी इन नेचर. बोनी का मतलब क्या है कि वहाँ पर क्या होता है, एंटीरियो इन्फीरियरली हम देखते हैं कि एक फ्रैक्चर भी होता है. इन दैट केस दिस इज़ नोन एज द बोनी बैंकार्ट. अगर सिर्फ ग्लीनॉइड लेब्रम अफेक्टेड है इट इज़ नोन एज द सिंपल बैंकार्टलेशन, बट अगर वहाँ पर बोनी चिप भी साथ में है देन इट इज़ नोन एज द बोनी बैंकार्टलेशन. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इसमें सिर्फ हमारा एवल्जन है ग्लीनॉइड रिम का, बट हेयर देर इज़ अ चिप ऑफ अ बोन ऑल्सो, सो दिस इज़ द बोनी बैंकार्ट. जनरली ये हमारा एंटीरियो इन्फीरियर डायरेक्शन में बैंकार्टलेशन होता है, एंटीरियो इन्फीरियरली ये बैंकार्टलेशन प्रेजेंट होता है. द सेकेंड पैथोलॉजिकल चेंज इज द हिल्सेक लेशन. हिल्सेक लेशन ये एक ऐसी डिफॉर्मिटी है जिसमें जब ग्लीनॉइड कैविटी अलॉन्ग विद इट्स लेब्रम ह्यूमरस के सुपीरियर पोस्टीरियर एस्पेक्ट से इम्पैक्ट उसका होता है, इम्पैक्शन होता है, दैट विल लीड टू द इंजरी एट द हेड ऑफ द ह्यूमरस ऑन इट्स सुपीरियर पोस्टीरियर एस्पेक्ट. द थर्ड पैथोलॉजिकल लेशंस आर द एसोशिएटेड फ्रैक्चर. एसोशिएटेड फ्रैक्चर किसके हो सकते हैं, देयर माइट बी ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस और देयर माइट बी ग्लीनॉइड लेब्रम इंजरी. नाउ आर द डायग्नोसिस, कैसे हम डायग्नोस करें कि पेशेंट को डिसलोकेशन है. क्लिनिकली हम दो टेस्ट हैं, वैसे तो बहुत से टेस्ट हैं जो हम कर सकते हैं, बस द मोस्ट पॉपुलर आर द हैमिल्टन रूलर टेस्ट एंड द डुगास टेस्ट. हैमिल्टन रूलर टेस्ट की अगर हम बात करें, इट इज़ रूलर एक्चुअली, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इट इज़ हैमिल्टन रूलर टेस्ट. हैमिल्टन रूलर टेस्ट में क्या होता है, बिकॉज ऑफ द डिसलोकेशन जो राउंड कॉन्टोर होता है शोल्डर जॉइंट का वो ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे फ्लैटनिंग हो जाती है. सो व्हेन वी प्लेस द रूलर, जब हम रूलर प्लेस करते हैं ऑन द लेटरल साइड ऑफ द आर्म, तो हम देखते हैं कि एक्रोमियन से लेकर लेटरल साइड ऑफ द एल्बो तक हमारा ये रूलर ईजिली प्लेस हो जाता है, इवनली प्लेस हो जाता है, विच इज़ एन इंडिकेशन कि यहाँ पे डिसलोकेशन है. अदरवाइज़ क्या होता है, जो एजेस हैं हमारे रूलर की वो टच नहीं करती हैं जॉइंट को और लेटरल एपिकोंडाइल को साइमल्टेनियसली, ह्यूमरल जॉइंट को जो हमारा स्पेशली एक्रोमियन प्रोसेस है, सॉरी कोराकोइड प्रोसेस है और लेटरल हमारा एपिकोंडाइल है, इन्हें साइमल्टेनियसली ये टच नहीं करती हैं. डुगास टेस्ट की अगर हम बात करें, इन डुगास टेस्ट वी आस्क द पेशेंट टू टच द ऑपोजिट शोल्डर, अफेक्टेड आर्म से हम कहते हैं ऑपोजिट शोल्डर को टच कीजिए,
इन दिस पेशेंट इज अनएबल टू डू सो, और अगर वो करता भी है सो दैट इज वेरी पेनफुल फॉर द पेशेंट टू परफॉर्म. ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट जनरली अंडर जनरल एनेस्थीसिया होता है. इसमें क्या किया जाता है, जो शोल्डर है उसे रीलोकेट किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, और उसके बाद उसे इमोबिलाइज कर दिया जाता है शोल्डर जॉइंट को इन अ चेस्ट आर्म बैंडेज फॉर 3 वीक्स. टेक्निक ऑफ रिडक्शन की अगर हम बात करें कि किस तरीके से शोल्डर को रिड्यूस करते हैं, देन वी हैव मेनी मेनोवर्स आउट ऑफ विच वी आर डिस्कसिंग टू हियर. द फर्स्ट इज अ कॉकर्स मेनोवर. कॉकर्स मेन्यूवर जिसको हम शॉर्ट में टीम, जिसके जो टेक्निक है उसको टीम भी यूज़ करते हैं, टीम से एब्रीवेट करते हैं. टीम स्टैंड्स फॉर ट्रैक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, अडक्शन एंड मीडियल रोटेशन. सो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले क्या करेंगे, ट्रैक्शन देंगे. ट्रैक्शन देने के साथ साथ क्या होगा, एक्सटर्नली रोटेट किया जाएगा शोल्डर को. एक्सटर्नल रोटेशन के बाद हम क्या करते हैं, आर्म को अडक्ट करते हैं, अंदर लाते हैं, विच इज़ फॉलोड बाय द इंटरनल रोटेशन और द मीडियल रोटेशन. सेम यू कैन सी हियर कि यहाँ पे क्या किया गया है, ट्रैक्शन के साथ एक्सटर्नली रोटेट किया गया है, विच इज़ देन फॉलोड बाय द अडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन. द सेकेंड मेनोवर इज़ द हिपोक्रेट्स मेनोवर. हिपोक्रेट्स मेनोवर में क्या किया जाता है, सर्जन अपने फुट को एज अ फल्क्रम पेशेंट के एक्जिला में प्लेस करते हैं, देन सेमी अबडक्टेड आर्म में क्या किया जाता है, एक फोम प्रेशर अप्लाई किया जाता है, एंड कीपिंग फुट एज अ फल्क्रम जो ह्यूमरस है उसे लिवर्ड बैक कर दिया जाता है उसकी ओरिजिनल प्लेस पे. विद दिस वी कैन हेयर अ साउंड और वी कैन फील अ क्लिक के कुछ हुआ, एंड देन हेड क्या होता है, वापस अपनी जगह पर आ जाता है. देन आर द कॉम्प्लिकेशंस. क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं शोल्डर डिसलोकेशन की, द फर्स्ट इज़ अ इंजरी टू द एक्सिलरी नर्व. जब भी शोल्डर डिसलोकेट होता है तो बहुत चांसेस होते हैं कि यहाँ से जो नर्व जा रही होती है, स्पेशली एक्सिलरी नर्व, वो क्या हो सकती है, वो डैमेज हो सकती है, वो इंजर्ड हो सकती है. सेकेंड इज़ द वैस्कुलर इंजरी. शोल्डर के पास जैसे हमें पता है बहुत से ब्लड वेसल्स होते हैं, पोस्टीरियर सर्कमफ्रेक्स ह्यूमरल आर्टरी होती है, देयर इज एन एक्सिलरी आर्टरी, तो बहुत चांसेस हैं कि वो ड्यूरिंग डिसलोकेशन इंजर्ड हो जाएं. देयर माइट बी फ्रैक्चर ऑफ द ग्रेटर ट्यूबर्कल. जब शोल्डर डिसलोकेट होता है तो क्या होता है, इम्पिंचमेंट होता है जिसकी वजह से वो फ्रैक्चर हो सकता है. रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट. रिकरेंट डिसलोकेशन एक ऐसी कंडीशन है कि एक बार जब डिसलोकेशन हो जाए शोल्डर जॉइंट का तो उसमें एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है कि वो बार बार डिसलोकेट होने लगता है, रिपीटेड डिसलोकेशन होता है जिसे हम कहते हैं रिकरेंट डिसलोकेशन. सो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इट इम्प्लॉयज टू द रिपीटेड डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर. पेशेंट में टेंडेंसी डेवलप हो जाती है कि बार बार शोल्डर डिसलोकेट होता है या फिर सबलग्जेट होता है, एंड दैट लीड्स टू द अनस्टेबल शोल्डर जॉइंट. इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके लिए 3 चीज़ें हैं. द फर्स्ट इज़ अ पुट्टी प्लैट ऑपरेशन. पुट्टी प्लैट ऑपरेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें सब स्कैपुलरिस जो टेंडन है हमारी, जो मसल होती है उसकी टेंडन को कट किया जा सकता है. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सब स्कैपुलरिस टेंडन थी उसे यहाँ से कट किया गया. यहाँ सब स्कैपुलरिस टेंडन होती है हमारी, उसे सब स्कैपुलरिस की टेंडन को कट किया जाता है. कट करने के बाद इस टेंडन को रीप्लेस किया जाता है, रीअटैच किया जाता है ह्यूमरल हेड पे थोड़ा ऊपर की तरफ आगे बढ़ाकर. सो दिस इज़ द रीअटैचमेंट ऑफ द सब स्कैपुलरिस टेंडन ऑन द हेड ऑफ द ह्यूमरस. दिस अलाउ बेटर स्टेबिलिटी ऑफ द शोल्डर जॉइंट बिकॉज इट प्रिवेंट्स द एक्सटर्नल रोटेशन एंड अबडक्शन. सो इसकी वजह से क्या होता है, शोल्डर डिसलोकेट होने के चांसेस कम हो जाते हैं. सेकेंड इज़ द बेंकार्ट ऑपरेशन. बेंकार्ट ऑपरेशन जैसा कि आप जानते हैं, बेंकार्ट लिजन एक कंडीशन होती है जिसमें ग्लीनोइड लेब्रम हमारी इंजर्ड हो जाती है, स्पेशली एंटीरो इन्फीरियर एस्पेक्ट से. सो इसमें क्या किया जाता है, रीअटैच किया जाता है ग्लीनोइड लेब्रम को वाइल यूजिंग द सूचर एंकर्स. सो इससे क्या होता है, ये अच्छे से फिक्स हो जाता है एंड इट प्रिवेंट्स द डिसलोकेशन ऑफ द ह्यूमरल हेड फ्रॉम द ग्लीनोइड कैविटी. द थर्ड इज़ द बिस्ट्रो ऑपरेशन. बिस्ट्रो ऑपरेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कोराकोइड
प्रोसेस की टिप को ट्रांसफ़र किया जाता है उसकी अपनी जगह से हटाकर, जैसे आप यहाँ देखते हैं, यहाँ से इसे कट किया गया अलोंग विद इट्स टेंडन, और इसे यहाँ से कट कर कर क्या किया जाता है, ग्लीनॉइड नेक के पास एंटीरियो इन्फीरियरली इसे रिप्लेस कर दिया जाता है. सो दिस सर्व एज अ बोनी ब्लॉक इन फ्रंट ऑफ द ह्यूमरल हेड. और ऐसा करने की वजह से क्या होता है, जो हमारा ह्यूमरल हेड है वो डिसलोकेट नहीं होता है, एंड इट ऑल्सो रिड्यूस द एक्सटर्नल रोटेशन एंड अबडक्शन ऑफ द ह्यूमरल हेड एंड प्रोवाइड द इंटीरियर इनस्टेबिलिटी टू द शोल्डर जॉइंट. सो इसे आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ से कट कर कर कोरोकॉइड टिप यहाँ प्लेस की जाती है, एंड दिस विल इंक्रीज द इंटीरियर स्टेबिलिटी ऑफ द शोल्डर एंड इट विल हेल्प इन द maintaining the stability of the shoulder joint and thereby prevent the dislocation of the shoulder joint. I hope आपको ये समझ में आया हो. ऐसी और videos को देखने के लिए, जानने के लिए हमारे इस channel के साथ जुड़े रहिए. अच्छा लगा हो तो like और subscribe कीजिए.